सालों पुरानी तांत्रिक क्रिया और सालों पुराना बंधन समाप्त हो जाएगा इस दिव्य प्रयोग से। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आज एक नई जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और इस उपाय को करके लाभान्वित होंगे। मित्रों, मैं ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको बताती रहती हूँ और ये जो चीज़ें हैं मार्केट में भी रेडीमेड मिल जाती हैं इजीली और ये ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। मैं किसी की भी मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, मेरे पास जो सामान उपलब्ध होता है मैं वही आपको बताती हूँ। स्पेशली किसी की कोई मार्केटिंग मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा आपको ये बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना रहता है कि ऐसी चीज़ें जो आपको अब तक नहीं पता हैं वो आपको मालूम चले कि भाई हाँ, ऐसी भी चीज़ें मिलती हैं जिनसे कि बहुत सारी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। क्योंकि ये हमारा अधिकार है कि हम स्वस्थ और सुरक्षित और खुशियों के साथ अपने जीवन को जिएं। किसी को भी अधिकार नहीं है हमारी खुशियों में बाधा डालने का, लेकिन चिढ़ने वालों की कोई वो नहीं होती, डेफिनेशन नहीं होती। चिढ़ने वाले किसी भी बात से चिढ़ सकते हैं। आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, घूम रहे फिर रहे हो, आपके घर के लोग प्यार से रह रहे हैं तो बस इसी से मिर्ची लग जाती है बहुत से लोगों को। आप खुलकर अपनी बात को बोल देते हो, साफ साफ बोलने वाले हो, बस इसी से मिर्ची लग जाती है। आपको चमचागिरी करना नहीं आता, लोगों के तलवे चाटने नहीं आता तो बस इसी बात पर मुँह फुला के लोग बैठ जाते हैं और चाहते हैं कि आप हमेशा उनके मानसिक गुलाम बने रहो। जब आप अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करते हो, आप चाहते हो कि आपका दबदबा कायम रहे, तो वो भी लोगों को पसंद नहीं आता। खैर, हमें उनसे क्या, हमें तो अपने बचाव से मतलब है। और आज जो उपाय बता रही हूँ ये बहुत काम का है। जैसा कि आपको पता ही है कि आप हनुमान जी में विश्वास रखते हैं और आपको पता ही होगा कि हनुमान जी कैसे आपके बिगड़े काम बनाते हैं, तो मैं क्या क्या चीज़ें हैं आपको बताती हूँ मैं। और देखिएगा, ये इस तरह की नज़र बत्तियाँ हैं, मार्केट में मिलती हैं, ये नज़र बत्ती के नाम से मिलती है। आप किसी भी पूजा पाठ की दुकान से ले सकते हो। ऑनलाइन मैंने देखा है बहुत सारी चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं। ये वैसे आप किसी नॉर्मल सीधी साधी छोटी मोटी दुकान से लोगे आपको 40 रुपये की मिल जाएगी, और वैसे आप किसी ऑनलाइन ढूंढोगे आपको 500 रुपये, 1100 रुपये, और अगर किसी महान आत्मा से आप लेते हो, महान आत्मा समझ गए ना वो जो जो ज्योतिष के नाम पर लूटने में लगे हैं, आपको 1100, 2100, 5000 में भी दे सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें क्यों अपने पैसे बर्बाद करते हो। ये मात्र 40 से 50 रुपये का है आई थिंक, और ये बहुत पहले से मेरे पास में रखा हुआ था और अभी इसकी प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 रुपये बढ़कर थोड़ी ज़्यादा हो गई होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। कुल मिला के ये चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं, और पूजा पाठ की दुकान पे जब कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं ज्योतिषी हूँ तो उसे और भी सस्ती देते हैं वो चीज़ें। खैर, ये जो नज़र उतारने की बत्ती है जो पूजा पाठ की दुकान पर मिल जाती है, तो ये देखिए ये बत्ती है ना, एक बत्ती निकाल कर इसको जला कर इसका जो तेल है ना, एक एक ड्रॉप टपकने दीजिए। वो तेल जैसे जैसे टिप टिप करके टपकेगा आपकी सालों की नज़र उतर जाएगी। जितने सालों की नज़र उतारनी है उतनी ड्रॉप्स आप गिराते रहिए। अगर उतनी ड्रॉप एक बत्ती में नहीं आती है तो दूसरी बत्ती ले लीजिए। तो इस तरह से जैसे किसी को 50 साल की नज़र उतारनी है तो 50 टपके गिरने चाहिए, टपके मतलब ड्रॉप्स गिरनी चाहिए। तो एक बत्ती जलाएंगे वो गिरती रहेगी। ये काम सावधानी से करें, अपने वॉश बेसन पे रसोई में खड़े होकर कर लें ये काम आप, तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद ये देखिए हनुमान जी का एक ये इस तरह से यंत्र टाइप आता है, तस्वीर आती है, और ये आप रखते हैं ना तो ये भी सुरक्षा का काम करता है। हनुमत श्री हनुमत पूजन यंत्रम इस तरह से मिलता है, और ये इस तरह का भी मिलता है, तांबे का भी मिलता है, कई तरह का मिलता है। तो हनुमान जी का यंत्र जरूर रखिए। आप पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर अपने मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं, अगर आपका मुख्य द्वार साउथ वेस्ट की तरफ है या साउथ फेसिंग है तो वहाँ भी आप लगा सकते हैं, और बहुत ही चमत्कारिक होता है ये चित्र भगवान का। इसके अलावा ये हनुमान चालीसा है, और हनुमान चालीसा का डेली पाठ जिस घर में होता है वहाँ भी किसी प्रकार का संकट नहीं आता। अगर आपकी बहुत सालों पुरानी बद्दुआ है, सालों पुरानी लोगों ने आपको कुछ बंधन कर रखा है, तो आप कम से कम इसके इस पुस्तक के 21 पाठ डेली करें कम से कम। जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना जल्दी आपका जो वो बातें कटने लगेंगी जिन्होंने आपको तंग किया है। और ये इस तरह की अंगूठी भी आती है, और ये ताबीज़ भी आता है जिसमें कि हनुमान जी से संबंधित चित्र वगैरह बने रहते हैं, यंत्र वगैरह बने रहते हैं। तो ये पूरा किट भी मिलता है मार्केट में, वहाँ से आप किट भी ले सकते हैं, और ये चीज़ें वैसे भी आपको मिल जाएंगी। तो कुल मिला के यहाँ जो खास चीज़ है वो बत्ती है। हनुमान जी का चित्र तो इजीली मिल ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हनुमान चालीसा पुस्तक भी इजीली मिल जाती है, और ये जो बत्ती हैं ये भी आपको मिल जाएंगी इजीली। और इस तरह के जो ये जो यंत्र वगैरह है ना, ये भी लोग काफ़ी महंगे बेचते हैं। मैं आपको बता दूँ ये 21 रुपये के दुकान पर मिल जाते हैं, जो कि आपको 2100 में बेचते हैं लोग। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जो पोटलियाँ बेचने का दावा कर रहे हैं, आप अपनी पोटली बुक करा लो, ये ले लो वो ले लो, कितना ज़्यादा लूटते हैं आपको। मतलब सब चीज़ें आपको मैक्सिमम 50-100 रुपये की चीज़ होती है जो आपके नाम से अभिमंत्रित करने के नाम पे आपको चूना लगाया जाता है, और इससे आपकी तिजोरी भरे ना भरे उन फर्जी लोगों की तिजोरियाँ जरूर भर जाती हैं जो अपना सामान बेचते हैं। लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं होते,
होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो वाकई में अच्छी चीज़ें बेचते हैं, लेकिन ये तय आपको ही करना पड़ता है। हम किसी की निंदा चुगली या बुराई में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मार्केट में चल क्या रहा है ज्योतिष के क्षेत्र में ये बताना भी हमारा दायित्व है, जिससे कि आपका पैसा लुट ना सके। आप हमेशा सही लोगों से जुड़िए जो वाकई में प्रतिष्ठित हैं और सही हैं। फिर भी जो सामान बेचने वाले हैं ना, वो तो मार्जिन आप मान के ही चलो, चाहे अच्छे ज्योतिषी हों चाहे बेकार ज्योतिषी हों, भयंकर मार्जिन है इन चीज़ों में, भयंकर मार्जिन है, बहुत ज़्यादा मार्जिन है। कौड़ियों की चीज़ आपको पता नहीं कितने में बेची जाती है, मैंने बताया ना आपको, ये 40-1 रुपये की मिल जाती है और ये देखो कितनी ज़्यादा महंगी मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पूजा पाठ की दुकान 10 दुकानों पे घूमो तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा चीज़ें सस्ती होती हैं और कितनी ज़्यादा महंगी आपको बेची जाती है। खैर, ये जो चीज़ें हैं ना, ये नज़र उतारती हैं और वाकई में इनका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, आप हनुमान बाहु के पाठ घर में करें रेगुलर, कभी कौन सा पाठ कर लिया कभी कौन सा पाठ कर लिया तो आपकी नैया पार होगी। और कोई भी पूजा पाठ का जो आयोजन होता है हमेशा खुद के ही घर में करना चाहिए। आप किसी दूसरे के घर में जाकर कर रहे हैं ठीक है, आप चले गए, पर वहाँ ये उम्मीद मत करना कि उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। आपको अगर किसी चीज़ का अचीवमेंट चाहिए, किसी चीज़ की उपलब्धि चाहिए, तो अपने ही घर में वो अनुष्ठान कराएं, स्वयं उसमें बैठें, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। पैसे देकर ही अगर सब कुछ खरीद लिया जाता तो दुनिया में मेहनत ही कौन करता। जब तक आप खुद अपने द्वारा नहीं पढ़ोगे किसी पाठ को आपके घर में, वो चीज़ चाहे आप म्यूज़िक चलाकर छोड़ दो, आपके ही घर में वो चीज़ होनी चाहिए, तभी आप पर असर होगी वो चीज़। इसीलिए दूसरों से अनुष्ठान कराना, दूसरों आप हम आपके नाम पे ये कर देंगे वो कर देंगे, तो आप इसी आप आजमा के देख लेना इस चीज़ से कि खुद करते हो तो ज़्यादा फ़र्क पड़ता है या किसी के द्वारा करवाते हो तो ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हाँ, आप किसी पंडित जी से करवा सकते हो, लेकिन वो आयोजन वो अनुष्ठान आप ही के घर में होना चाहिए, जगह का महत्व होता है। जैसे कि आपने किसी को अपना गोत्र भेज दिया, नाम भेज दिया, सारा डिटेल भेज दिया, तो जिस जगह पर वो अनुष्ठान हो रहा है वो जगह जागृत हो रही है, आपके घर का कुछ भला नहीं हो रहा है इसमें, आप सिर्फ बेवकूफ़ बन रहे हो। ये सत्य कड़वा है लेकिन सत्य है। आप अपने ही घर में करो, आपकी जो जगह है, आपकी ज़मीन है, आपके घर की मिट्टी है, आपके घर की दीवारें हैं, आपके घर की छत है, ये सब चीज़ शुद्ध और पवित्र तभी तो होगी ना। कोई ये बोले कि मैं आपके नाम से साबुन लगा लेता हूँ आपका शरीर साफ़ हो जाएगा, हो जाएगा क्या? जब तक खुद साबुन नहीं लगाओगे आपके शरीर का मैल कैसे उतरेगा? तो जब तक कोई भी अनुष्ठान है आपके घर की दीवारें नहीं सुनेंगी, आपके घर की छत उसको नहीं सुनेंगी, आपके घर का वास्तु पुरुष उसको नहीं सुनेगा, तो कैसे होगा? जब आप किसी नए मकान में प्रवेश करते हो तो आप अपने घर पर पूजा कराते हो ना, अपने नाम से कहीं और तो पूजा नहीं करा लेते? क्यों नहीं करा लेते? करा लो तब भी पूजा कहीं और ही। समझ गए होंगे मेरी बात को बहुत अच्छे से कि जिस जगह पर पूजा की जाती है उस जगह का महत्व होता है। कि हमने आपके नाम से बीज है ना उस खेत में बो दिया है और पौधा निकल जाएगा, तो भाई आप खुद समझदार हो, जिस जगह बीज उगता है उस जगह की मिट्टी का महत्व है, उस जगह के पर्यावरण का, उस जगह के वास्तु का महत्व होता है। तो इसलिए बेवकूफ़ मत बनो। देखो, अगर वाकई में आपको सफलता चाहिए ना, तो इन उलझनों से बाहर निकलो और जो भी काम करना है खुद करने में भरोसा करो, अपने घर पर करने में भरोसा करो। छोटे मोटे लालच को छोड़ो कि आपका पैसा बच रहा है, अगला फ्री में ही तो कर रहा है, क्यों फ्री में भी अपना डिटेल क्यों दे रहे हो किसी को, क्यों दे रहे हो? मत दो कभी भी। फ्री में लेने पर, हर चीज़ लेने पे कर्जा चढ़ता है, ग्रह कमज़ोर होते हैं। वो दान की श्रेणी में आता है जो फ्री में आपके लिए काम कर रहा है, वो आपको दान दे रहा है, आपके ग्रह और ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं इस चीज़ से, क्यों नहीं समझ रहे? आपके नाम से फ्री में वो घी की आहुति दे रहा है, आपके नाम से फ्री में हवन की आहुति दे रहा है, वो सामग्री सब पैसे से आती है। आप जब किसी पंडित से कोई काम कराते हो, हर चीज़ का पेमेंट करते हो ना, उसका पेमेंट आपका पड़ोसी थोड़ी करता है, जो पेमेंट करता है ना सारा पुण्य उसके खाते में जाता है, ये चीज़ समझ लो। तो ये सब चीज़ें खुद करो अपने घर में, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं छोटी सी विनती आपसे करती हूँ बस ये, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपका भला, मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा ये सब बोलने में, लेकिन मुझे आश्चर्य तब होता है कि आप लोग कब इतने सीधे भी क्यों हो आप लोग, जिसकी कोई भी आपको बना के चला जाता है। थोड़े तो चंट बनो, थोड़े तो समझदार बनो, थोड़े तो अक्कल लगाओ, अक्कल के घोड़े क्यों नहीं दौड़ाते? बहुत समझदार और इंटेलिजेंट हो आप लोग, लेकिन भावनाओं में बह जाते हो। जब भी कोई मुस्कुरा के मीठा सा बोलता है या बोलती है, बस उसकी झांसे में आ जाते हो। इन सब चीज़ों से निकलो। जो कड़वा बोलता है, जो साफ साफ बोलता है ना, वही आपका हितैषी है। मैं साफ साफ और खरा खरा आपको इसीलिए बोलती हूँ कि मुझे बहुत दुख होता है जब आप लोग बेवकूफ़ बनते हो। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आप देखो इन सब में भरोसा करते हो तो ये सब चीज़ें काम की है। हनुमान जी की पूजा बहुत काम की है, और राम रक्षा स्त्रोत का भी आप पाठ करो, देवी कवच का पाठ करो आप अपने घर में, आप हनुमान बड़वानल स्त्रोत का पाठ करो, आप सुदर्शन चक्र का पाठ करो, तो ये सारी चीज़ें आपके घर से सभी प्रकार के बंधन, बद्दुआएँ, तांत्रिक क्रियाएँ सब मिटा देंगी धीरे धीरे। आप धीरे धीरे ज़बरदस्त परिवर्तन आपके जीवन में आ जाएगा, आपकी आपसे पहचान हो जाएगी, जो आप अपने आप को नहीं समझ पाए थे अब तक, वो समझने लग जाओगे। ये मेरा खुला चैलेंज है,
और आपके अंदर ही इतनी शक्ति मौजूद है, वो आपको नहीं पता, वो सब जागृत होने लग जाएंगी इन चीज़ों के द्वारा। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये बिल्कुल भी अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि मैं अंधविश्वास का कभी समर्थन नहीं करती हूँ। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एक यही जानकारी थोड़ी देनी है मुझे, अभी तो इतना खजाना भरा पड़ा है, क्या क्या बताना है मुझे आपको जिससे आपका भला हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन भी दबा लो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना। आपके लिए छोटी सी बात हो सकती है, पर मेरे लिए लाइक बहुत 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 मायने रखता है। और जिन लोगों ने चैनल को इतना प्यार दिया है, जिनकी वजह से चैनल इतना ग्रो कर रहा है, उनको मैं प्रणाम करती हूँ और शत शत नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। परमात्मा उन सब का कल्याण करे, यही मैं आशीर्वाद देती हूँ। तो आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। परम प्रिय मित्रों, अपने घर की सारी बद्दुआ, सारी नेगेटिविटी, सारी तांत्रिक क्रियाएँ, सारे बंधन दोष सब मिटा दो ये काम करके, तो देखो, और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है।